इकोना इलाके के बिश्नापुर में बीती रात से हल्ला मचा कि यहाँ पर बाघ आ गया है। भागो भागो की आवाज आई और लोग परेशान हो उठे। यहाँ पर ग्रामीण परेशान हुए, जिसके बाद 112 को सूचना दी गई और मौके पर 112 के सिपाही भी पहुंचे। तभी से लगातार रात भर ग्रामीण जाकर यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों के हाथों में लाठियां हैं, ये लाठियां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये रात से ही जुटे हुए हैं और यहाँ पर पहरेदारी की जा रही है। जब बाघ की बात आई तो वन विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो पता लगा कि यहाँ पर बंचर भेज दिए गए, और जब बंचरों की टीम यहाँ पर पहुंची तो उस बाघ का, जो कथित बाघ है, उसका एक फोटो और वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ, जिसके बाद यहाँ के लोग जो आए हुए हैं इन्होंने बताया कि वो कैटफिश नामक जानवर है जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। अगर बाघ या तेंदुआ होता तो बीती रात से ही यहाँ पर जब लोगों ने उसे देखा था तो अब तक पता नहीं यहाँ पर क्या सीन होती, क्या नज़ारा होता। लेकिन वो तो नहीं है, लेकिन ग्रामीण जरूर सहमे हुए हैं, कोई ऐसा जानवर है जो ग्रामीणों को डरा रहा है और फिर गन्ने के खेत में घुस जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ पर गन्ने लगे हुए हैं, घना गन्ना है और इस गन्ने के बीच में वो कहीं छुपा हुआ है। ऐसे में लगातार ग्रामीण बंचर के साथ यहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं और गन्ने के खेत में घुसकर फाका लगाने को विवश है। हमारे साथ बंचर हैं, भैया क्या नाम है आपका? रामकिशन चौधरी। रामकिशन जी, क्या मामला है? यहाँ पर रात से ही हल्ला मचा हुआ है। यहाँ कल 9 बजे हमको फोन हुआ था, हम यहाँ आए हैं रात को ही हम यहाँ हैं और हाका लगवा रहे हैं, लेकिन वो तेंदुआ नहीं है, बाघ नहीं है, वो कैटफिश नाम का एक जानवर है, वो जंगली बिल्ली है। अगर ये जो जंगली बिल्ली होता है या किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये अपने आप छुपता है, आगे से देख करके अपने आप छुपता है, भागता है। जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तब से आप लगातार सैकड़ों लोगों के साथ गन्ने खेत में लगे हुए हैं, क्या हम नजारा है, आपने कभी देखा उसको? हमने कई बार देखा है और कई बार बताया है गांव वालों को और समझाया भी गया है, संतुष्ट भी किया गया है कि ये कैटफिश नामक का एक जंगली बिल्ली है, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है। इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? इस समय हम लोग हाका लगवा रहे हैं, उसको भगा रहे हैं, यहाँ से भाग जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, जो दहशतगर्द से यहाँ पर बनी थी वो कुछ कम हो गई? कुछ कम हो गई है, अब नहीं। जैसा कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीती रात से यहाँ पर दहशत थी वो दहशत काफी कम हुई है। अगर बाघ की बात होती तो दहशत कहीं न कहीं लोगों के दिल में जरूर थी, लेकिन अब यहाँ पर ग्रामीण उजाले में अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर गन्ने के खेत में लगातार काम्बिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। पकड़ में आने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि वो कैटफिश है या कोई और जंगली जानवर। बिश्नापुर रास्ता छोड़ो भैया, अरुण ये छह 8 हो गया।
आए कोने पे बैठो तब उजा के निकली कोने पे यहाँ हटियो या कोने से निकल जाए कम से कम 20 मिनट लेके आओ। कौन सा जानवर है क्या है वो हमारे समझ से काट दी है ए के नहीं ए ला चलो घुसो हो सब ए यार ये निकल गया चलो घुसो कौन जानवर है चलो लाठी वाले लड़की के हटाए दो यार है तो नंबर के सर्टिफिकेट का फॉर्म लड़का ना है इसमें पुनः करके अंतर करो यहाँ पर कैट फिश नाम का एक जंगली बिल्ली है जो आम पब्लिक को डरा रही है। आम पब्लिक डरे हुए हैं और हम इसके यानी कि अपने उच्च अधिकारियों के कहने पे हमारे उच्च अधिकारी भी आ रहे हैं उनके कहने पे और गांव वालों की सहयोग से हम इसमें हाका लगा रहे हैं उसको देख रहे हैं निकाल रहे हैं कौन सा जानवर है। हमें तो लगा है ये कैट फिश ही है। अच्छा रात से ही यहाँ पर हल्ला है कि बाघ आया है बाघ आया हल्ला है। हम लोग रात में भी थे और सुबह फिर आ गए सुबह ये लोग 9-10 बजे आ गए तब से तलाशी कर रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं मिला है दो तीन बार देखा गया है और उसका फोटो भी है रोड पे था बच्चों ने फोटो भी बनाया है उसका वीडियो भी है कैट फिश ही है लेकिन पकड़ में नहीं आया। नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी आप बंचर है ना जी। अच्छा आप और आपकी टीम यहाँ पर पहुँची है कल रात से यहाँ पर हल्ला किया गया था बाघ आया है या तेंदुआ आया है क्या निकला और क्या काम कर रहे हैं आप लोग? तेंदुआ नहीं है ये वैसे अफवाह था और है जंगली बिल्ली टाइप का होती है वही है और हमारे अधिकारी के सूचना मिला हम लोग रात से यहीं जुटे हुए हैं 11 बजे रात से यहाँ जुटे हुए हैं सुबह से जुटे हुए हैं और अभी भी लगे हुए हैं हम लोग पकड़वाने की प्रयास कर रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा पकड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। सफलता मिल जाएगा लेकिन यहाँ जो है कुछ बच्चे आ जाते हैं हल्ला गुहार मचा जाते हैं इसलिए सफलता नहीं मिल रहा है लेकिन सफलता मिल जाएगा हम लोग प्रयास मिलेंगे। पुलिस वुलिस बुलाए हैं बच्चे जो है यहाँ जो बच्चे हैं उनको खिलवाने काम कर रहे हैं फिर हम लोग पकड़ने काम करेंगे। गाँव में कार्यक्रमों से बताओ तरह की बाघ आएगा है और गाँवान है तो मतलब विभाग की टीम आई हम प्रधान जी से पूरा क्षेत्रवासी मिलकर 11 जात है और तो गौवा वर्ष का डरान है कोनो जनहानी ना हो जाए ऐसे हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा जो दतियम बाघ बताया जाता है भगवे हुए ऑब्जेक्शन तो हम ना ही है वीडियो में देखा जाता है बाघ हो तो नुकसान ज्यादा हो जाए लड़के वाले इनके है ना वो जन जानवर वन विभाग वाले कंफर्म कर रहे हैं कि बाघ नहीं है वो कैट फिश करके है लेकिन गांव वाले देखे हैं जंगली बिल्ली बतावा था जंगली बिल्ली अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या है वो प्रयास वाले ने वीडियो भी लिया है फोटो भी बनाए हैं प्रयास में लगा है कि जंगली बिल्ली हुए तो वहाँ निकाल के भगाई दे कोई नुकसान ना हुए। अच्छा कितने संख्या में यहाँ पर ग्रामीण जमा है? सैकड़ों की संख्या अभी तो कम हो गई। पुलिस भी आई है? हाँ पुलिस आई थी रात में फिर बुलाए ना अभी फिर बुलाए आ रही है वीडियो हम आए कि लागे प्रधान रहे राजू का है मोटरसाइकिल लेके अब तो भैया तब बताओ थे बिलार हुए और कोई बाघ बताओ था वो तो वही लोग देख के बताए पाई है जहाँ भी आप देखे किधर से कूद के गया है। अरे हम लोग वहाँ थे देखे इधर गया ना हाँ अब सर कभी क्या देखे हो तुम? अभी ये तो सब लोग बता रहे हैं कि बाघ है लेकिन पता नहीं कौन जानवर था तब आप देख रहे हो? यस। कैसे कहाँ गया वो? यहाँ पे 2 छलांग मार के इस गन्ने में गया इस गन्ने में था। अच्छा कल रात से ही यहाँ पर हल्ला मचा हुआ है? यस। रात भर कैसे रहा? रात भर लोग जागते रहे कि सोते रहे क्या हुआ? रात भर जागते रहे पहरेदारी होती रही मिश्रा जी आपके गांव में लगातार हाहाकार रात से मचा हुआ है मामला क्या है? मामला ये है कि कल जो है रात को हल्ला हुआ कि बाघ आया तो सब लड़के यहां पर आए गांव में तो वो गंगाराम के जो घर था उनकी मतलब उन्होंने बताया कि उसका पैर मैंने देखा है तो उन्होंने उसको कहा कि यहाँ पर खड़ा था तो उन्होंने ईंटा मारा और कहा कि मैंने दे तो ईंटा जब मारा तो भाग के गन्ने में चला गया तभी से लोग उस
उसको मतलब रात तक ढूंढे लेकिन नहीं मिला। अब आज सुबह भी ऐसे ही लगी है गन्ने में इनके मुहम्मद रईस के खेत में, लेकिन अब पता नहीं, हमने तो देखा नहीं कि बाघ है या बाघ का बच्चा है। अच्छा, रात में पुलिस भी बुलाई गई थी? रात में पुलिस बुलाई गई, 100 नंबर आया था, और जो पता लग रहा है कि मतलब दो जो हो सिपाही वन विभाग के आए थे जो लोग मोटरसाइकिल से। जी अच्छा, अभी ये कहाँ तलाश कर रहे हैं, कौन सा गांव है? अभी ये बिश्नापुर जो है, ये जान मोहम्मद पुरवा का जो है, ये इनका मोहम्मद रईस का खेत है गन्ने का, इसी में लोग तलाश रहे हैं कि बाघ है। सब बता रहे हैं कि उसके नाखून मैंने देखा है, बच्चा है कुछ लोग। अच्छा, कुछ अभी वीडियो भी कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ संदिग्ध जानवर जाते हुए, कुछ पहचान नहीं हो पा रही उससे कौन सा है जानवर। पता नहीं कि वो बच्चा है या कोई दूसरा जानवर है। ये कुछ लोग कहें कि मैंने देखा है, अभी एक विकास मौर्या एक लड़का था तो उसने कहा कि मैंने देख रहा है, उसके नावा है बच्चा है छोटा सा वो तेंदुआ का। जी सब लोग यहाँ से घुसो, बाहर निकले सब लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ नहीं आई जब किनारे सब खुश आए थे क्या।